उरी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर देश में गुस्सा उबल रहा है। सरकार पर एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार संयम में है और एक्शन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच खबर यह है कि 20 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे साउथ ब्लॉक में बने वॉर रूम में बताए। इस वॉर रूम में पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख दलबीर सुहाग, वायुसेना प्रमुख अरुण राहा, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी थे। प्रधानमंत्री को इस वॉर रूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया गया। पीएम के सामने रेत से बने मॉडल रखे गए थे। ये मॉडल पाकिस्तान में बने आतंकियों के कैंप थे। वॉर रूम में पीएम को यह भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया जा सकता है। उरी हमले के जवाब पर रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रूम में पहुंचे। यहां मैप और रेत के पुतलों के साथ पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को सेना के वॉर रूम में थे। उस रात देर तक हाई प्रोफाइल बैठक चली। यहीं से सेना की सुरक्षा से जुड़ी हलचल पर नजर रखी जाती है। युद्ध के हालात में यही वॉर रूम यानी मिलिट्री ऑपरेशन निदेशालय युद्ध का कंट्रोल रूम भी होता है। देश के सबसे ताकतवर कंट्रोल रूम में देश के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉर रूम में तमाम खुफिया जानकारी और दुश्मन के ठिकानों के बारे में बताया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। मोदी का वॉर रूम का यह तीसरा दौरा था। इससे पहले वो 2 बार वॉर रूम में सेना और सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां ले चुके हैं, लेकिन उस समय हालात अलग थे। उरी में आतंकी हमले के बाद हालात अलग हैं। इससे साफ है कि पीएम पाकिस्तान को इस बार बख्शेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक तीनों सेनाओं से युद्ध के हालात पर प्लान मांगा गया है और भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।